हेलो एवरीवन, माइसेल्फ अमित रावल। आज हम आपको अपने प्रोजेक्ट द सुमन मार्वलस पे लेके आए, जिसका भी हम आपको एक टूर कराने वाले हैं। अपना जो प्रोजेक्ट रहेगा सुमन मार्वलस के नाम से, इसकी लोकेशन आपकी जीरकपुर में नियर पटियाला हाईवे रहने वाली है, जिसमें हम आपको हाई राइज कंसेप्ट में 3 BHK फ्लैट ऑफर करते हैं। इसमें आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम्स की इन्वेंट्री रहेंगी, जिसमें साइजेस की वेरिएशन आपको मिल जाती है। 1750 से लेके 1900 स्क्वायर फीट तक के आपके पास फ्लैट होंगे यहाँ पे। मेरे बैक साइड आप देख पा रहे हैं, ये अपना क्लब हाउस का पार्ट रहेगा। इसमें आपको पार्टी हॉल, जिमनेजियम और स्विमिंग पूल वाला पार्ट रहेगा। और इसी के बिल्कुल साथ में जो आप देख पा रहे हैं, आपकी एंट्रेंस रहेगी प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आपके टावर स्टार्ट होते हैं। टावर A, B, C and D टावर रहेगा इसमें। तो आइए चलते हैं आपको अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। तो ये हमारा सैंपल फ्लैट रहेगा, जो कि आपका 1895 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें हम आपको डिजिटल लॉक के साथ सेम प्रीमियम क्वालिटी का मेन डोर देंगे। आइए, तो आपके फ्लैट में एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे आपका ड्राइंग एरिया रहेगा, फैमिली लाउंज आ जाएगा आपका। भी जैसे हमने आपको आपके लिविंग एरिया में डबल साइडेड सोफा इंस्टॉल करके दिए, आप चाहें तो यहाँ पे एल शेप सोफा इंस्टॉल करेंगे, जिससे आपका स्पेस प्रॉपरली ऑक्यूपाइड होगा और आपको एक्स्ट्रा ओपननेस निकल के आएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉपर व्यू रहने वाला है वो लिविंग एरिया से सेम स्ट्रेट व्यू जो रहेगा, जिससे सनलाइट प्रॉपर आएगी। ईस्ट फेसिंग जो है आप प्रॉपर अपना इंजॉय कर पाएंगे उसको। लाइक अगर आप बात करें, हम अर्ली मॉर्निंग आप टी कॉफी इंजॉय कर रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट आएगी, जिससे आपको एक प्रॉपर फील रहेगी कि आप अपने एक सपनों के घर में एट प्रेजेंट रह गए हैं। तो ये देखिए आपका किचन का जो साइज रहेगा काफी अच्छा रहेगा, जिसमें हमने आपको एडिशनल विंडो दी हुई है, प्रॉपर सनलाइट रहेगी। और इसमें जो आप इंटीरियर की एक जो कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं काफी अच्छा दिया हुआ है। ये आपकी मॉड्यूलर किचन रहने वाली है। इसमें आप जो कैबिनेट्स देख रहे हैं एज इट इज होंगे, अपर कैबिनेट्स एंड लोअर कैबिनेट्स सेम रहेंगे। इसमें अपर कैबिनेट जो है वो हाइड्रोलिक्स रहेंगे, काइनेक्स की फिटिंग रहेगी। लोअर कैबिनेट आपके स्लाइडर्स में आ जाएंगे, जो अपना सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। मॉड्यूलर किचन के साथ हम आपको चिमनी एंड आरओ भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। और साथ में ही आप काफी वाइड विंडो दी हुई है, जिसमें आपकी प्रॉपर सनलाइट आएगी कि पूरे किचन के अंदर। इसी में हमने क्या रहेगा आपके साथ अटैच्ड आ जाएगा आपको डाइनिंग स्पेस, जो कि एज ऑब्वियस है कि किचन के साथ ही होना चाहिए, हमने वहीं पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और जैसा आप देख रहे हैं एक अच्छा कॉम्बिनेशन एज प्रेजेंट हमने दिया हुआ है, एंड लेटर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इससे भी अच्छा इवन से आप कर सकते हैं। जैसे आप मेरे यहाँ पे वॉल देख पा रहे हैं, हमने एक सिंपल क्लैडिंग की हुई है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना वॉलपेपर ऐड करना चाहें, इवन इसमें कोई टेक्सचर ऐड करना चाहें, क्योंकि आपका सब अपने सपनों का घर लेने वाले हैं, तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एज आई सेड, इस फ्लैट में हम आपको रनिंग बैल्कनी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो ड्राइंग एरिया से आपकी प्रॉपर एक्सेस रहने वाली है आपकी बैल्कनी के साथ में। रनिंग बैल्कनी में अगर हम बात करें तो आपको एग्जैक्ट साइज 51 फीट बाय 6 फीट विड्थ में आपको साइज मिलेगा। मोर देन 300 स्क्वायर फीट एज ए बैल्कनी स्पेस रहेगा। इसमें आपके पास एडवांटेज क्या रहने वाली है कि प्रॉपर एक्सेस रहेगी सभी रूम से और ड्राइंग एरिया से, जो कि आपकी एक प्रॉपर एडवांटेजेस रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग इसके बाय रिजल्ट आपको प्रॉपर सनलाइट रहेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। तो ये आपकी जो बैल्कनी रहने वाली है सेम साइज में रहेगी। इवन जो आप फ्लोर टाइल्स देख रहे हैं वो भी एज इट इज मिलेगी आपको, व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहेगा, जिसको आप एज ए गेस्ट रूम यूज करेंगे। रूम साइज की अगर हम बात करें तो 11 बाय 16 अप्रोक्स साइज रहेगा, काफी स्पेशियस साइज दिया हुआ है रूम का। और ये आपका साइज क्लियर रूम साइज है, मीन्स आपके वार्डरोब जो है वो एक्सक्लूडिंग रहेंगे। ये आपको वार्डरोब स्पेस हम ऑफर कर रहे हैं इसमें। वार्डरोब के लिए एग्जैक्ट स्पेस ये रहेगा इसमें। इसी के साथ अटैच्ड वॉशरूम आ जाएगा आपका। वॉशरूम्स में जो भी फिटिंग्स आप देख रहे हैं वो सब जैक्वार ब्रांड की रहेंगी। सेम वॉल
और फ्लोर टाइल्स के साथ आपको एज इट इज वॉशरूम आपको हैंड ओवर होगा। ये आपका किड्स बेडरूम रहेगा, किड्स बेडरूम के साथ भी आपकी एक्सेस रहेगी बेल्कनी की। और रूम ये भी आपको क्लियर साइज दिया हुआ है, ये आपका वार्डरोब स्पेस रहेगा जो कि प्रॉपर हमने बाहर की साइड दिया हुआ है, जिससे आपका जो भी रूम साइज रहेगा प्रॉपर आपका स्पेयर साइज रूम रहेगा। ये अभी चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की एंट्रेंस के साथ ही हमने वार्डरोब स्पेस दिया हुआ है आपको, जो कि आपको जस्ट डबल स्पेस मिलेगा एज कंपेरिजन टू अदर रूम्स। ये भी आपके ओपनेबल रहेंगे और उसके साथ आपके ये वाले भी आपकी ओपनेबल रहेंगे। ये वाला पार्ट आपकी एक्सेसरीज के लिए दिया हुआ है हमने। और यहाँ पे आपके आ जाएगा मास्टर बेडरूम, जिसके रूम साइज की हम बात करें तो 11x15 का साइज रहेगा। साथ में इसकी अटैच वॉशरूम रहेगा और इस रूम की भी आपकी एक्सेस सेम रनिंग बैल्कनी के साथ रहेगी, जो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाई है। और आपको सामने मिलने वाला है ये शानदार व्यू। इस साइड आपका ईस्ट फेसिंग रहेगा, जिसमें आपकी अर्ली मॉर्निंग प्रॉपर सनलाइट आएगी, जो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा। और अपने पास ऑप्शंस दोनों मिल जाते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर लेट इवनिंग सनलाइट देन यू कैन चूज अदर वन साइड, और इफ यू आर लुकिंग फॉर अर्ली मॉर्निंग सनलाइट देन यू कैन चूज इन दिस लाइन। तो अभी हम आपको बताएंगे कि क्या हम आपको सेमी फर्निश्ड फ्लैट में ऑफर कर रहे हैं। जो अभी हमने अपना फ्लैट देखा है, इसमें हम आपको रूम्स के अंदर प्रॉपर वार्डरोब बना के दे रहे हैं, वॉशरूम्स की एक्सेसरीज एज इट इज रहेंगी, और जैसे ही हमने अभी किचन देखा है, किचन भी आपका कम्प्लीटली मॉड्यूलर रहेगा विद चिमनी एंड आरओ। एडिशनल इसमें एक चीज और है कि पूरे फ्लैट में हम आपको फॉल सीलिंग दे रहे हैं विद कंसील्ड लाइट्स। इट मीन्स कि आपको कोई एडिशनल इंटीरियर इतना ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर लेके आना है और अपने घर में स्टे करना है। ये हमने आपको टूर कराया अपने सुमन मार्वलस में बने हुए फ्लैट का। अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अपने प्रोजेक्ट में हम आपको 3 BHK फ्लैट की इन्वेंट्रीज दे रहे हैं, जिसमें आपको अर्लीस्ट जो पोजेशन रहने वाली है अपकमिंग मार्च के अंदर आपको पोजेशन होने वाली है। इसमें पोजेशन के साथ साथ आपको अगर आप लेट मोस्ट कुछ पोजेशन प्लान कर रहे हैं, वो वाले टावर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। अमेनिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें हम आपको क्लब हाउस में आपको पार्टी हॉल, जिमनेजियम और स्विमिंग पूल का पार्ट रहने वाला है। उसके साथ आपका ग्रीन एरिया जो रहेगा, उसमें बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और आपका किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, वो बेसिक अमेनिटीज हैं, वो भी सारे हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। वन मोर पार्ट हम इसमें आपको जो बेस्ट दे रहे हैं, वो रहेगा आपके लिए पार्किंग स्पेस। पार्किंग हम आपको प्रॉपर कवर्ड देंगे, वेदर इट्स इन स्टिल्ट और इन बेसमेंट, कोई भी हमने ओपन पार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ। जो भी आपको पार्किंग अलॉट होगी वो सारी कवर्ड रहेगी आपकी, जिससे आपकी गाड़ियों की भी सेफ्टी रहेगी। ओपन में सारा ग्रीन एरिया, वन वे रोड रहेगी, जिससे आपकी सोसाइटी की एक ब्यूटिफिकेशन है वो बनी रहेगी। गाइस में प्रोजेक्ट है आपका, तो कोई भी आप एक फ्लैट चूज करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट रहेगी, और एक व्यू की भी अगर हम बात करें, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहती है जब आप अपने लिए एक अपना सपनों का घर देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो व्यू है वो भी दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि नियर बाई में जो भी आपकी एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी लो राइज में बनी हुई है, ताकि आपको हमेशा एक ओपन व्यू रहेगा। आसपास में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ग्रोसरी शॉप्स और एक मार्केट जो है विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि आपके लिए एक ईजी रहेगा, क्योंकि डेली नीड्स की चीज़ें आपको एडिशनल रहेंगी साथ में। और अभी मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में होपफुली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, और अगर आपको कुछ और आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।